हरि ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वैष्णो कैसेट के माध्यम से जिसके निर्माता हैं भैया राजू यादव, निर्देशक उमेश कुमार और सहायक धर्मेंद्र कुमार, बड़ेलडीह बाराबंकी की तरफ से। और इस कैसेट का सौजन्य वीडियोग्राफी माँ वैष्णो स्टूडियो बड़ेलडीह बाराबंकी, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं भारत के मशहूर जादूगर जय कुमार ग्रुप, जादूगर जितेंद्र कुमार, जादूगर विशाल कुमार, जिनके माध्यम से साथ ही साथ में लाइव कार्यक्रम झांकी का भी प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे दो बार प्रभु जी का पावन नाम, उसके बाद में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो,
प्यार प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो श्रोताओं, जैसा कि जय और विजय को जब श्राप मिला था कि तुम 3 जन्म तक प्रेत योनि में रहोगे, तो प्रथम बार इनका जन्म महाराज कश्यप के वहां होता है, जुड़वा बालक हुए। एक का नाम पड़ा है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो है ज्यादा पाप कर्म करने लगा, इसलिए भगवान ने 12 का रूप धारण करके उसका वध किया। और जब हिरण्याक्ष का वध सुनता है हिरण्यकश्यप, तो आग बबूला हो गया। काहे के होना भी चाहिए कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, और इसको वो सहने पाता है जिसका वज्र का कलेजा है। हिरण्यकश्यप विचार करता है, यदि मेरे भाई को किसी साधारण व्यक्ति ने मारा होता तो हम ही जाकर के उसका वध करते, लेकिन हमारे भाई का वध विष्णु के द्वारा हुआ है, इसलिए विष्णु पर विजय पाने के लिए हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है भोले बाबा का ध्यान करने के लिए निकलता है, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता हैं, बाकी तो देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, और हमारे भोले बाबा वरदान देने के बाद विचार करते हैं। तो आज हिरण्यकश्यप भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए चलता है, कैसे? कुछ सोच समझो हिरण्यकश्यप, तब करने घर से निकल पड़ा, तब करने घर से निकल पड़ा, और भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचा। देखिए, भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये वरदान देने के बाद विचार करते हैं, पहले नहीं करते हैं। जैसा कि भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो एक दिन भोले बाबा के ऊपर ही भस्मासुर हाथ उठा करके दौड़ा, लेकिन भोले बाबा अपनी आदत से बाज नहीं आए। एक भक्त और हुआ है जिसका नाम पड़ा था बारासुर, उसको भी भोले बाबा ने वरदान दिया कि तेरे 1000 हाथ हो जाएं, 10000 हाथियों का बल आ जाए। और एक दिन ये बारासुर भोले बाबा से ही लड़ने के लिए पहुंच गया। तो कहने का अभिप्राय, हिरण्यकश्यप जो है आज भोले बाबा को नाच नाच करके प्रसन्न कर रहा है। आखिर को भोले बाबा प्रकट हुए और कहते हैं, भक्तराज वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा, बेटा हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते हैं, बाकी जो भी वरदान मांगोगे हम देने को तैयार हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो हमारी आपकी एक शर्त ये है, एक वरदान देना है तो ये दे दो कि हम अमर हो जाएं, अन्यथा हम जितने वरदान मांगेंगे उतने वरदान देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, एक वरदान छोड़ करके बाकी जो मांगोगे सब हम देने को तैयार हैं। देखो हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा है, विचार किया कि डायरेक्ट नहीं यदि वरदान दे रहे हैं अमरता का,
तो हम घुमाई फिराई करके वरदान ऐसा ही मांगेंगे जिससे कि हम मरे ना। और मरना तो भैया कोई नहीं चाहता है। बूढ़े लोग परेशान होकर के कह तो देते हैं कि भगवान हमको भी बुला लो, लेकिन जब तबीयत गड़बड़ होती है तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब इस बार बचा लो। मरना कोई नहीं चाहता है। हिरण्यकश्यप क्यों चाहे? हिरण्यकश्यप वरदान क्या मांग रहा है आइए देखिए कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना कोई तीर तलवार से मरे, ना दिन में ना रात में ना ऊपर ना नीचे कोई तीर तलवार से, और ना ही किसी इंसान से, ना ही किसी जानवर से। भोले बाबा एवं मस्त कहते गए, बेटा और मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इतने वरदान दे चुके हैं, एक बार नहीं कह पाए अमर हो जाओ, और बाकी जो मांग रहा हूं सब देने को तैयार हैं। सो हे भोलेनाथ एक वरदान ये भी दे दो कि दुनिया में ऐसा कोई सुख बाकी ना रहे जो हम उठावे ना। और आखिर में भोले बाबा ने कहा बेटा और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम 12 महीनों में भी ना मरे। भोले बाबा यो मस्त कह करके चले गए। अब हिरण्यकश्यप ठहाका मार करके हंसता है और कहता है कि ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शंकर मैं हूं। सच कहा गया है जो ओछी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, जब तलक जेब खाली है तब तलक तो बड़े सज्जन हैं, और जेब में जब पैसा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि उनके समान कोई दूसरा धनवान धरती पे है नहीं। बाबा ने संकेत भी किया है जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं उनकी तो हमेशा की आदत रही है कि को ऐसा उपजा जग माही, को ऐसा उपजा जग माही, प्रभुता पाई का हमद नाही। प्रभुता पाए का हमद नाही,
या यूं कह लीजिए कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं। अब करता सीधी बात नहीं, सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवा दिया कि लइयो मम बैरी के रो नाम के ऊ भूल नाही, माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो ना, और जइयो ना दिवाले नहीं परवाले हम उतार ले हो, पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करइयो ना। हिरण्यकश्यप का जिस समय ये ऐलान हुआ, सारे साधु महात्मा बेचारे परेशान हैं कि कैसे हम भगवान का भजन करें। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप जो है राजस्थान को जाता है सेना जोड़ने बटोरने के लिए, और इधर देवराज इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती हैं और इनके गर्भ में एक बालक पल रहा है, अभी हिरण्यकश्यप अकेला है, और ऐसा ना हो बालक हो जाए वो हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। इसलिए देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप का भेष बनाया और धोखे से कयाधु को बुलाई करके रथ में बिठाया, और एक जंगल में जब ये पहुंचे देवराज इंद्र ने निकाल लिया तलवार कि अभी कयाधु का वध कर देते हैं। लेकिन मित्रों एक बात तो याद रखना है कि जाको रक्षक साया मार सके ना कोई, और बाल नबा का करी सके जो जग मेरी होए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जैसे देवराज इंद्र ने कयाधु को मारना चाहा, इतने में बाबा नारद आ गए, रुक जाओ रुक जाओ, नारी को मारना ये कोई ठीक बात नहीं है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु इस समय निहत्थी है, क्यों मारना चाह रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा बाबा नारद जरा विचार करो, ये हिरण्यकश्यप राक्षस की पत्नी है, अभी वो अकेला है, और हो सकता है इसके गर्भ से बालक हो जाए, हिरण्यकश्यप का पूरा साथ देगा। बाबा नारद ने कहा हे देवराज इंद्र मेरी बात मान लो, कयाधु को छोड़ दो, अरे हो सकता है हिरण्यकश्यप का इतना पाप कर्म बढ़ गया है तो कयाधु के पेट से कोई अपने लोगों को बचाने के लिए मालिक ने किसी फरिश्ते को भेजा है। देवराज इंद्र ने कहा नारद मेरे रास्ते से हट जाओ, कयाधु को मारूंगा। नारद बाबा ने कहा मैं कयाधु को बचाऊंगा, और भैया ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, देव ऋषि नारद ने कयाधु को छुड़ा लिया और सीधे अपने आश्रम पर लिए चले जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बाबा लोगों के आश्रम पे बस सीताराम सीताराम नारायण राधे श्याम
कयादू जो है उसी वातावरण में रहने लगी। और ऐसा वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है कि गर्भवती महिला का जैसा खान पान होता है, जैसा रहन सहन होता है, उसी प्रवृत्ति की संतान होती है। समयानुसार बाबा नारद के आश्रम पर ही कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाबा नारद ने इसी बच्चे का नाम रखा है प्रहलाद। और सच कहा गया है, संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, यानी प्रहलाद जी का जन्म जो है बाबा के आश्रम पर हुआ। धीरे धीरे थोड़ा प्रहलाद भी बड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने देखा बाबा के आश्रम पर तुलसी की पूजा है, राम नाम का जाप है, तो प्रहलाद भी तुतली भाषा में राम नाम का जाप करने लगे। सच कहा गया है ना कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अरे भैया, प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान ने कहा है कि पहली भक्ति जो है ये संतों के संग में है। इधर प्रहलाद के अंदर तो भक्ति का रंग चढ़ने लगा, और उधर हिरण्यकश्यप जब घर आया, कयाधु नहीं मिली, कयाधु को ढूंढने के लिए निकलता है। जब कयाधु मिली बाबा के आश्रम, साथ में प्रहलाद भी हैं, हिरण्यकश्यप ने विचार किया और कहा, नारद आज हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कयाधु ने कहा, महाराज ये बाबा नारद की ही कृपा है जो आज हम जिंदा हैं, हमें देवराज इंद्र मारना चाहते थे। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि देवराज इंद्र, अब तुम संभल जाओ, विष्णु जी से पहले तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। अब देवराज इंद्र भी घबराए। प्रहलाद और कयाधु को लेकर के हिरण्यकश्यप घर आया। प्रहलाद जी की आदत थी, पद्मासन लगा करके बैठ गए, राम राम जपने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये नाम मत लेना, ये दुश्मन का नाम है। उसी जगह पर खड़े थे गुरु शुक्राचार्य के दो बेटे शंडामर्क। उन्होंने कहा, हे राजन, देखे इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, सब रहन सहन का कसूर है। ऐसा करो, इस बच्चे का एडमिशन हमारे विद्यालय में करवा दो, और इसके ऊपर हम आपके नाम का रंग चढ़ा दूंगा, भूल जाएगा राम का नाम। अब क्या है, प्रहलाद जी शंडामर्क के विद्यालय में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। और सज्जनों, ये बचपन जो है ये बड़ा विचित्र होता है। कोरा कागज है, इस पे चाहे कालिक पोतो और चाहे बढ़िया सीनरी बना दो। थोड़ी देर के लिए प्रहलाद भी भटक गए, और प्रहलाद भी मान गए कि हमारा पिता ईश्वर है, हमारा पिता भगवान है। परंतु इतना याद रखना है भाइयों बहनों, भगवान और ईश्वर में अंतर होता है। ईश्वर अलग है, भगवान अलग होता है। भगवान समय पर किसी गरीब के काम आ जाओ, वो गरीब कहता है, भैया आप हमारे लिए भगवान हो गए। ईश्वर कुछ अलग है। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जब अपने विद्यालय के बाहर निकले, तो इनको एक आवाज सुनाई पड़ी। और वो आवाज कैसी है कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ सीताराम, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरे सोने से मेरे राम, आओ मेरे राम।
मैया है, एक कुम्हारन माता बैठी बैठी गुनगुना रही है। प्रहलाद ने डांट दिया है, बुढ़िया ये नाम लेना बंद कर दे, क्यों इस नाम के चक्कर में पड़ करके जान गंवाना चाहती है, यदि मेरा बाप सुनेगा तो तुझे मार डालेगा। कुम्हारन माता कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप कैसे मार सकेगा, अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद ने कहा, भगवान और ईश्वर जगत का पालनहार मेरा बाप है। कुम्हारन माता ने कहा, नहीं बेटा तेरा बाप धनवान है, घमंडी है, लेकिन वो भगवान या ईश्वर नहीं हो सकता है। और बेटा एक बात और बता दें, जिस धन के घमंड में तेरा बाप इतना चूर है, याद रखना सच कहा गया है, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये चेतावनी भाग एक में आप लोगों ने हमारा भजन सुना होगा। कुम्हार माता ने कहा, प्रहलाद अरे हम तुम्हारे बाप को नहीं बल्कि तुमको भगवान का दर्जा देंगी, लेकिन एक काम करना होगा। वो कौन सा? कहा, मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी, उसके चार बच्चे थे, बड़े प्यारे थे, और आज जब मैं आवा लगा रही थी तो धोखे से चारों बच्चे आवे में बंद हो गए, आग लग चुकी है। अब यदि तेरा बाप भगवान है तो इन बच्चों को जिंदा निकाल दे। प्रहलाद हंसने लगे कि जलती ही आग से भला ये बच्चे जीवित कैसे निकल सकते हैं, क्या तेरे राम बचा लेंगे? कुम्हारन माता ने कहा, हाँ बेटा हमारे राम बचा लेंगे, क्योंकि चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है, और मेरे भैया जब चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। प्रहलाद ने कहा, ठीक है तो आज मैं जा रहा हूँ, और कल जब आऊंगा मेरे सामने आवा खुलेगा, यदि बच्चे जिंदा हैं तब तो हम आपकी शरण में आ जाएंगे, और यदि बच्चे मर गए तो समझ लेना तुम्हारी भी पूर्णमासी हम कर देंगे। प्रहलाद जी चले गए। अब तो कुम्हारन माता के सामने चुनौती है, बेचारी रात भर गाती रही कि गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा बड़ा किनारा रा, तुम बिन मेरे राम प्रभु जी कोई नखे वनहारा रा, मेरी नैया के ओ मेरी नैया के खिवैया बन कर आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। रात बीती, सवेरा हुआ, और सवेरे सवेरे प्रहलाद जी जब आए, कुम्हारन माता से कहा, आवा खोलो। जैसे आवा खोला गया, चारों बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं कर करके बाहर आ गए। प्रहलाद जी को संदेह हुआ, प्रहलाद जी को संदेह हुआ, और कहने लगे, तुम्हारे आवे में कुछ गड़बड़ी है। जैसे झांक करके देखा तो देखा एक हंडी के अंदर भगवान श्री हरि राज रहे, रहे शंख चक्र और गदा पद्म, संघ में खगराज विराज रहे। कुम्हारन माता के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माता जी ये बताओ क्या तुम्हारे भगवान हमें मिल जाएंगे? कुम्हारन माता ने कहा, बेटा ये हमारे स्पेशल नहीं, ये तो सभी के हैं, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। हाँ बेटा एक बात ये है कि तुम अभी अधूरे हो। प्रहलाद ने कहा, मैया मैं पूरा कैसे बनूंगा? कुम्हारन माता ने कहा, बेटा क्योंकि तुमने अभी गुरु नहीं किया है,
और बाबा ने लिखा है, बिन गुरु भवन निधि तरे न कोई, बिन गुरु भवन निधि तरे न कोई, बिन गुरु भवन निधि जो बिरंच शंकर सम होए, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज का समय बड़ा विचित्र है। बढ़िया जटाजूट या बढ़िया टीका चंदन देख करके आदमी को गुरु बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का माहौल है गल्ली गल्ली गुरु पुकारे, चेलो कंठी ले और सरगे जाओ चाहे नरके जाओ, रुपया हमका दे, लोभी गुरु लालची चेला अयो दो नरक मा ठेलिम ठेला। गुरु जो है हमेशा जानबूझ समझबूझ करके करना चाहिए। आज प्रहलाद जी को जो है कुम्हारन माता ने राम नाम मंत्र दे दिया, प्रहलाद जी विद्यालय आए। पुराने समय में जो बच्चा होशियार था पढ़ने लिखने में, गुरु लोग उसको मॉनिटर बनाते थे। संडामृक ने कहा, बच्चों आज का पाठ मॉनिटर प्रहलाद तुमको पढ़ाएंगे। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को बुला लिया और कहा, लिखने वाले लिखो और पढ़ने वाले पढ़ो, सच्चाई वाला पाठ पढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा पाई मात्रा का सवाल ही नहीं है। क्या पढ़ाया है जरा देखिए, कि लिखो पाटी में राम और पढ़ो पुस्तक में राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम, चाचा का कातिल है और उसका नाम क्यों ले रहे हो। प्रहलाद ने कहा, गुरुजनों मेरे पिता के चक्कर में तुम लोग भी पागल ना बनो, चाहो तो अपना जीवन संवार लो, आओ हमसे ही मंत्र ले लो। संडा अमरक नाराज हुए और प्रहलाद को पकड़ करके ले गए हिरण्यकश्यप के पास। महाराज, जब आपका ही बेटा आपके दुश्मन का नाम लेगा तो बोलो मैं क्या करूं। हिरण्यकश्यप ने बुलाया और कहा, बेटा क्या तुम मेरे दुश्मन का नाम ले रहे थे। प्रहलाद ने कहा, नहीं तो पिताजी, अरे हम तो जगत के पालनहार का नाम ले रहे थे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे चाचा का कातिल है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो। देखिए ये हमारी आपकी बड़ी भूल होती है, यदि कोई काम बढ़िया बन गया तो हम लोग कहते हैं कि मैंने मेहनत किया, यदि कुछ बिगड़ गया तो कहते हैं भगवान ने बर्बाद कर दिया। देखिए भगवान कभी किसी की बिगाड़ता नहीं है। चेतावनी भाग चार में एक मैंने भजन गाया है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। एक सूत्र याद रखिएगा जीवन में, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है, मिलता यही है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है। यानी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की न सो तस फल चाखा।
हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा पिताजी चाचा ने गलती किया और उनको सजा मिली कर्म के द्वारा, तो आप काहे गलती कर रहे हो, चाहो तो हमसे मंत्र ले लो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी से फेंका, बड़ी दूर गिरा प्रहलाद, कयाधु ने आकर के उठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कयाधु जाओ इस दुष्ट को जहर दे करके मार डालो। आज कयाधु आई और जैसे प्रहलाद जी को जहर का प्याला दिया, प्रहलाद ने प्याले को हाथ में लिया और बड़ा प्रेम के साथ में कहा मामा जी हम तुमसे प्रेम करते हैं। और जैसे जहर का प्याला प्रहलाद ने पिया, देखिए लक्ष्मी जी और जहर सामुद्र मंथन में दोनों लोग निकले थे, इसलिए जहर और लक्ष्मी का भाईचारे का संबंध है, भाई बहन का रिश्ता है। और प्रहलाद जी लक्ष्मी जी को माता और माता के भाई को मामा कह रहे हैं, इसलिए मामा मामा कह करके जैसे जहर पिया, अब ये जहर राम जी के पास पहुंचा। राम जी ने अपने इष्ट देव का ध्यान किया, यानी ये जहर जो है भोले बाबा के पास गया। भोले बाबा ने इस जहर को अपने गले में ही रोक लिया, इसलिए इनका गला जो है कंठ नीला पड़ गया। तब से शिव जी का एक नाम है नीलकंठ महादेव। प्रेम से बोलो नीलकंठ महादेव की जय। प्रहलाद जी आए, बोले पिताजी जहर तो बड़ा मीठा था। सारे कर्मचारी प्रहलाद जी का चेहरा देख रहे हैं, भला कभी किसी ने जहर का स्वाद बताया है। इतने में एक कर्मचारी आया और कहने लगा राजा साहब मैं छिप करके देख रहा था, एक माता ने अपने बेटे को रंगीन शरबत पिला दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसीलिए तो दुष्ट कहता है कि जहर मीठा था, जाओ बेटा वो प्याला लेकर के आओ। और जैसे कर्मचारी प्याला लेकर के आया, हिरण्यकश्यप ने कहा इसमें थोड़ा पानी डाल करके उंगली हिलाओ, खंगरावन तैयार करो। खंगरावन तैयार हुआ और हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा अब इसको तुम पी जाओ। अब ये बेचारा घबराया कहीं असली तो नहीं है। खैर जैसे ये खंगरावन पीता है धड़ाम से गिरा और मर गया। ओहो प्रहलाद ने सोचा कि हम तो पेवर पिए घूम रहे हैं, मरे नहीं, और ये खंगरावन पी करके मर गया, यानी के राम नाम में दम है। प्रहलाद जी झूमने लगे कि राम जपने से तर जाएगा, हाँ राम जपने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से मुश्किल से नर्तन मिला, और क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर, क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से मर जाएगा, वो उसके आगे तू, उसके आगे तू, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। झोली को भर जाएगा, आज प्रहलाद जी को जो है पागल हाथी के सामने फेंका गया। हाथी अपनी पीठ पे बिठा करके नाच रहा है, पहाड़ियों से फेंका गया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे।
एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई हुई है। प्रहलाद होलिका के पास पहुंचा, बुआ जी तुम ही पिताजी को समझाओ कि ये सतमार्ग पर चले, इनका जीवन संवर जाए। हिरण्यकश्यप ने होलिका से अपना दर्द बताया कि हम इसको मारना चाहते हैं। होलिका ने कहा हमारे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरिया है जिसको मैं ओढ़ती हूँ और उसको ओढ़ लेने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है आग का, इसलिए प्रहलाद को मैं गोद में लिए ले रही हूँ और तुम लोग हमारे चारों तरफ से लकड़ियां लगाओ, आग लगा दो, ये मर जाएगा। होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठती है और जैसे आग लगाई गई प्रहलाद ने कहा जय श्री सीताराम। 49 पवन चले, जोर की हवाएं चली, चुनरिया जो है होलिका से छूट करके प्रहलाद के लिपट गई और चुनरिया जब प्रहलाद के लिपट गई होलिका चिल्लाने लगी ब्रह्मा ये कैसा तुम्हारा दिया हुआ वरदान, कैसी तुम्हारी चूनर है हमें जला रही है। ब्रह्मा जी ने कहा यह चूनर तुम्हें दी गई थी अपनी रक्षा के लिए, ना कि भक्तों का वध करने के लिए, भक्तों को जलाने के लिए। आखिर में परिणाम प्रहलाद जी बच गए और होलिका जो है जल करके खाक हुई। ये होलिका पर्व अपने हिंदू समाज में हम लोग मनाते हैं और गौर करिएगा कितने देवता हैं, कितने राक्षस हैं। जिस समय प्रहलाद की रक्षा हुई थी तो देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे और दैत्य लोग मिट्टी धूल उलच रहे थे, और आज भी वही समाज में देखिए जो देवता हैं वो एक दूसरे से गला मिलाते हैं, बहुत जरूरी हुआ तो एक दूसरे के मस्तक में अमीर या गुलाल का टीका लगाते हैं, और जो राक्षस हैं अमीर गुलाल नहीं, किसी पुराने इंजन से जला हुआ आयल निकाल करके लोगों के मुंह में पोत देते हैं, पी करके शराब, पड़ोस में झगड़ा किए, साल भर का पर्व घर के बजाय उनका पर्व कोतवाली में हो रहा है। आखिर को हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब इसको हम कैसे मारें। अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ एक विशेष खंभा तैयार करो और उसको आग की लपटों में गर्म करो, देखता हूं प्रहलाद कैसे जिंदा रहेगा। और कर्मचारी लोग तत्काल खंभे की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को, ये जो झांकी आप लोग देखने जा रहे हैं नरसिंह भगवान के प्राकट की झांकी, ये भारत के मशहूर जादूगर जादूगर जितेंद्र जादूगर विशाल के द्वारा ये नरसिंह भगवान के प्राकट की झांकी आप लोग देखेंगे। और इस झांकी में जो है कैमरा की कोई कारागरी नहीं है, ये लाइव झांकी है। जादू के माध्यम से विशाल जादूगर जितेंद्र जादूगर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इस झांकी का भी दर्शन करेंगे। प्रहलाद जी को खंभे में बांध दिया गया। हिरण्यकश्यप कह रहा है प्रहलाद अब बुला अपने राम को, देखो तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है, वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है, यहाँ की हर वस्तु में भी। जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंभे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंभे में भी है। यदि वो इस खंभे में भी है तो मैं अभी इस खंभे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। गीता में प्रभु ने कहा है कि कड़कड़ में मेरा वास है, कोई भी तिनका बगैर मेरी इच्छा के नहीं हिलता है।
और यही बात कुरान शरीफ में आई है कि खुदा का नूर जर्रे जर्रे में है। और गोस्वामी जी ने रामायण में भी यही लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, हरे राम हम में राम तुम में, राम खंभे में राम तलवार में। और जैसे खंभे का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने खंभे पे मारी तलवार, निकल कहां छिपा बैठा है राम, नरसिंह भगवान का प्रागट हो रहा है। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तो तू है राम, अरे हमें मारेगा, मैंने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना भीतर ना बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींच लिया और कहां पहुंचे, चौखट पे। बोल अंदर है या बाहर। अब हिरण्यकश्यप घबराया कि भोले बाबा कहते थे वरदान और मांगो, लेकिन मैंने मांगा नहीं, ना तो अंदर है ना बाहर है, लेकिन वरदान ये भी मांगा था मैंने, ना ऊपर मरे ना नीचे। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोदी में ले लिया। बोल ऊपर है कि नीचे, अब ना तो ऊपर है ना नीचे, बीच में। मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा समय कौन सा है, और भैया समय यही था जो इस समय चल रहा है, ना दिन में है ना रात में। ये समय जो है गोधूल का कहा जाता है, गांव में कहते हैं कुबेरी बेरा। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा था ना किसी तीर से मरूं ना तलवार से। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए, बोल मेरे हाथ में कौन सा हथियार है। कहा कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े नाखून, लेकिन मैंने वरदान मांगा था ना मैं इंसान से मरूं और ना मैं जानवर से। भगवान ने कहा हमें देख हम क्या हैं, तो नीचे से इंसान ऊपर से सिंह। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो मिली जुली सरकार है, फिर भी मैंने वरदान मांगा था मैं 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा जरा विचार कर महीना कौन सा है, ए 12 महीनों में कोई महीने नहीं है, महीना है 13, जिसको कुछ लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कहीं कहीं लोग मल मास कहते हैं, और गांव देहात में लौंद कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा जब एक साल में 12 महीना होते, ये 13 महीना कहां से आया। भगवान ने कहा ये स्पेशल मैंने भगत के लिए बनाया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। और बता, हिरण्यकश्यप ने कहा जब आपने नियम कानून ही बदल दिया तो अब हम क्या बताएं। अब क्या था कि आखिर को नरसिंह ने मारी एक दहाड़, और तुरंत दिया उस नीच का पेट प्रभु ने पाड़। और जैसा कि बताना चाहेंगे आप लोग हमसे तो परिचित ही हैं, हमारा परिचय पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी, हमारा जन्म स्थान शिव शक्ति धाम सधुआपुर पोस्ट विराटपुरी हरगांव जनपद सीतापुर नैमिष धाम क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र 99 84 072 111, यानी के 99 84 07 2 1।
वन वन। हमारे साथ में ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्री सुधीर पांडे जी और पैट पर साथ दे रहे हैं अमन तिवारी जी और हमारे सहयोगीगण भैया राम जी, भैया शिवम, भैया ब्रजेश कुमार जी और कथावाचक भैया श्री अम्बरीश दीक्षित, अन्य भी हमारे सहयोगीगण हैं और ये माँ वैष्णो कैसेट के माध्यम से लाइव कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। इसमें सौजन्य है भारत के मशहूर जादूगर जय कुमार ग्रुप, इनके द्वारा ये झांकियां जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कैमरा की कोई करामात नहीं है, ये लाइव कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। तो आइए एक बार सभी भक्त प्रेम के साथ में बोलेंगे, अरे जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा जी के भैया की जय बोलो, बोलो नरसिंह भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद की, आज के आनंद की।